करीब एक दशक पहले यह खुलासा हुआ था कि कई देशों से घिरा दक्षिण चीन सागर में प्राकृतिक संसाधनों का खजाना भरा पड़ा है। तभी से उस पर कब्जे के लिए दुनिया की महाशक्तियां टकराने लगी हैं। लेकिन उन सब में चीन दो हाथ आगे निकल गया। उसने समंदर में नकली टापू बना लिए। दुनिया भर के देशों ने उसका विरोध किया लेकिन चीन नहीं माना। और अब ताजा खुलासा यह है कि चीन वहां अपने हथियारों की तैनाती कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में जंग के बादल मंडराने लगे हैं, तलवारें खिंच गई हैं। एक तरफ है चीन तो दूसरी तरफ है अमेरिका। दोनों जंग के मैदान में तो नहीं हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे हैं। चीन और अमेरिका एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं और एक दूसरे के हथियारों पर नजर रखे हुए हैं। इसी सिलसिले में चीन ने अपनी नकली टापुओं पर हथियारों की तैनाती कर दी है। दक्षिण चीन सागर पर चीन ने 10 लाख वर्ग किलोमीटर समंदर पर दावा ठोक रखा है। दो साल में समुद्र से बालू निकालकर यहां की उथली सतह पर बिछाकर चीन 20 से ज्यादा नकली टापू तैयार कर चुका है। इनमें से 7 टापुओं पर एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत दूर तक मार करने वाली हथियारों की तैनाती के संकेत मिले हैं। चालबाज चीन के सच का खुलासा न जमीन से हुआ न जल से, ये खुलासा हुआ है आसमान से। अमेरिकी सैटेलाइट के जरिए महीनों तक चीन के इन नकली टापुओं पर नजर रखी गई और फिर इन तस्वीरों में जो बदलाव देखा गया वो चौंकाने वाला है। टापुओं पर हो रही हलचल से ऐसा लग रहा है जैसे चीन किसी जंग की तैयारी कर रहा है। चीन की इस हरकत ने अमेरिकी समेत कई देशों को चिंता में डाल दिया। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों को एशिया मैरिटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव यानी AMTI ने जारी किया है। तस्वीरों ने चीन के उस झूठ को बेनकाब कर दिया है जिसमें उसने दावा किया था कि इन टापुओं का इस्तेमाल सिर्फ व्यापारिक मकसद के लिए किया जाएगा। पिछले साल सितंबर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में नकली टापू के विवाद को ठंडा करने के मकसद से शी जिनपिंग ने ओबामा को भरोसा दिया था। इस इलाके के सैन्यकरण का चीन का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब अमेरिका को लगता है कि चीन के इस वादे पर भरोसा करके उसने गलती की है। इससे पहले भी इन टापुओं पर हथियारों और चीनी सैनिकों को देखे जाने की बात सामने आई थी, मगर चीन ने इसे गलत ठहरा दिया था। लेकिन अब सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों को वो झुठला नहीं सकता। अगस्त 2016 में पता चला था कि चीन ने 3 नकली टापुओं पर एयरक्राफ्ट हैगर बना लिए हैं। ये एयरक्राफ्ट हैगर इतने बड़े हैं कि चीन के H-6 बम वर्षक, H-6U टैंकर विमान, Y-8 मालवाहन विमान और KJ-200 एवोक्स विमान आसानी से रखे जा सकते हैं। तब चीन ने सफाई दी थी कि ये हैगर यात्री विमानों के लिए है। अपने दावे के समर्थन में चीन ने नकली टापुओं पर सैलानियों को ले जाने और लाने की तस्वीरें भी जारी की थी, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। अब सवाल उठता है कि टापुओं पर हथियारों की तैनाती के पीछे चीन का मकसद क्या है। अगर पिछले कुछ महीनों की घटनाओं पर नजर डालें, तो हथियारों की तैनाती के पीछे चालबाज चीन का मकसद साफ समझ में आ जाएगा। 12 जुलाई चीन को हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत से झटका लगा। दक्षिण चीन सागर पर चीन के कब्जे को कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन चीन ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने चीन के इन टापुओं पर एतराज जताया। अमेरिका के टोही विमान चीन के नकली टापुओं की जासूसी कर चुके हैं। इसके बाद चीन को लगता है कि अमेरिका दोबारा अपने टोही विमान इन टापुओं के ऊपर भेज सकता है, लिहाजा उसने एंटी एयरक्राफ्ट गन की तैनाती शुरू कर दी है। वैसे भी दक्षिण चीन का समुद्री रास्ता कारोबार के लिहाज से दुनिया के बेहद फायदेमंद रास्तों में एक है। यहाँ से हर साल अरबों का कारोबार होता है। वैसे भी दक्षिण चीन का समुद्री रास्ता कारोबार के लिहाज से दुनिया के बेहद फायदेमंद रास्तों में एक है। इस पर इस इलाके के समुद्र को प्राकृतिक गैस और तेल का अपार भंडार भी माना जाता है। जाहिर है इस पर कब्जे की चीन की कोशिश को नाकाम करने में अमेरिका एक अरसे से जुटा हुआ है।
और चीन भी उसे बराबर की टक्कर देने पर आमादा है, लिहाजा इस इलाके में जंग की आशंका लगातार बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं चीन के चोर युद्ध की। दक्षिण चीन सागर में चीन ने पहले नकली टापू तैयार किए और अब उन पर सैन्य ठिकाने बना रहा है। उधर अमेरिका चीन के इस चाल पर तिलमिलाया हुआ है। इस टकराव के कभी भी युद्ध में बदल जाने की पूरी आशंका दिख रही है। दक्षिण चीन सागर को अगर आप नक्शे पर देखें तो पता चलेगा कि ये समंदर कई देशों से घिरा हुआ है। फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, ब्रुनेई और मलेशिया, ये सभी देश इस समंदर पर अपना दावा जताते हैं। लेकिन ताकतवर चीन इन सभी छोटे देशों को दबाकर पूरे समंदर को हथिया लेना चाहता है। चीन इस चाल में कामयाब भी हो जाता अगर बीच में अमेरिका नहीं आता। अमेरिका दक्षिण चीन सागर पर अकेले चीन का मालिकाना हक मानने को तैयार नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका को दूसरे छोटे देशों की फिक्र है, बल्कि वो खुद इस पानी पर अपना कब्जा चाहता है और पानी पर कब्जे की यही लड़ाई कभी भी बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है। फरवरी 2016 में अमेरिका ने जानबूझकर अपना एक जंगी जहाज इस विवादित इलाके से लेकर गुजारा था। ये घटना चीन को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी, लेकिन अमेरिका ने भी ताल ठोक कर उसे ठेंगा दिखा दिया। ये तब की बात है जब अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला नहीं आया था। अगर उस वक्त अमेरिका ने चीन के दावों को अनसुना कर दिया तो अब तो अदालत का फैसला भी चीन के खिलाफ आ चुका है। ऐसे में अमेरिका क्या कर सकता है, यही आशंका चीन को परेशान कर रही है। इससे पहले अमेरिका के एक टोही विमान ने चीन के नकली टापुओं के ऊपर से उड़ान भरी थी। तब चीन ने खुलेआम पायलटों को धमकी दी थी और वहां से चले जाने को कहा। अक्टूबर 2015 में भी अमेरिकी B-52 बमवर्षक विमानों ने भी जापान जाते हुए उसी विवाद समुद्री इलाके के ऊपर से उड़ान भरी, जिस पर चीन ने कड़ा विरोध दर्ज करवाया और धमकी दी। अक्टूबर 2015 में ही एक अमेरिकी जंगी जहाज चीन के नकली टापुओं के 22 किलोमीटर दूर से गुजरा, जिस पर चीन ने न सिर्फ एतराज जताया बल्कि चीन का समुद्री बेड़ा अमेरिकी जहाज के पीछे लग गया और उसे दूर तक खदेड़ता नजर आया। साफ है कि चीन और अमेरिका के बीच आंख मिचौली का ये खेल कई साल से चल रहा है। ऐसे में अमेरिकी थिंक टैंक का नया खुलासा इस समंदर में हलचल पैदा कर सकता है। हाल ही में अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दक्षिण चीन सागर में चीन को ये सब नहीं करना चाहिए। ट्रंप के इस बयान को चीन के लिए एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ये संकेत है कि ट्रंप के कार्यकाल में भी चीन को लेकर अमेरिका की नीतियों में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा, और अगर चीन ने अपने टापुओं पर हथियारों की तैनाती नहीं रोकी तो नतीजे बेहद खतरनाक होंगे, न सिर्फ अमेरिका और चीन के लिए बल्कि भारत समेत दूसरे देशों के लिए भी। चीन और अमेरिका के रिश्तों में आई खटास की एक वजह ताइवान है। चीन सालों से ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन ताइवान झुकने को तैयार नहीं। अब तक अमेरिका इस मामले से दूर रहता था, इसलिए ये मुद्दा कभी गर्म नहीं हुआ, लेकिन अब अमेरिका ताइवान से नजदीकी बढ़ाना चाहता है। ऐसे में चीन ने ताइवान के खिलाफ भी चोर युद्ध छेड़ दिया है। बेहद कड़ी ट्रेनिंग से गुजर रहे ये नौजवान ताइवान की सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। ताइवान में इन दिनों ये तैयारी तेज हो गई है। वहाँ के रक्षा मंत्री ने युवाओं से ज्यादा तादाद में सेना में भर्ती होने की अपील की है, ताकि चीन से मुकाबले की हालत में वो टक्कर दे सके। पिछले एक महीने में चीन के सैन्य विमान दो बार ताइवान की सीमा के करीब तक जाकर लौट आए। इन घटनाओं के बाद ताइवान चीन के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुट गया है, और जानकारों का मानना है कि ताइवान को ये ताकत अमेरिका से मिल रही है। ये सारे बवाल की शुरुआत तब हुई जब राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से फोन पर बात की।
ऐसा करके ट्रंप ने 1979 में बनी एक अमेरिकी नीति को तोड़ दिया। इस नीति के तहत अमेरिका ने ताइवान से अपने रिश्ते खत्म कर लिए थे, क्योंकि चीन उसे अपने देश का हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को चीन का हिस्सा मानने से इनकार करता रहा है। जाहिर है चीन को डोनाल्ड ट्रंप का सीधे ताइवान से बात करना रास नहीं आया। उसने अमेरिका से इस बात पर नाराजगी भी जता दी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान देकर आग में घी डालने का काम कर दिया। जरूरी नहीं कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी पर आगे भी अमल करता रहे। ट्रंप के इस बयान ने चीन को ताइवान के मुद्दे पर चौकन्ना कर दिया। आपको बता दें कि चीन की वन चाइना पॉलिसी के मुताबिक चीन एक देश है और ताइवान उसका प्रांत है। दुनिया के ज्यादातर देश ताइवान को अलग देश नहीं मानते। चीन ताइवान से रिश्ते रखने वालों को अपना दुश्मन मानता है। इसके बावजूद ताइवान के कई देशों से कूटनीतिक संबंध है। अमेरिका ने चीन से संबंधों को तवज्जो देते हुए ताइवान से आधिकारिक रिश्ते खत्म कर लिए थे, लेकिन अब ट्रंप की नई पहल चीन को परेशान कर रही है। अमेरिका ताइवान की इस बदलती नजदीकी के बाद चीन ने ताइवान के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने के संकेत दिए थे, जिसके जवाब में ताइवान ने भी अपनी कमर कस ली है। साफ है कि चीन इस इलाके में न शांति से रहना चाहता है, न किसी को रहने देना चाहता है। तो चीन के चोर युद्ध की नीति से भारत सीधे प्रभावित नहीं हो रहा, लेकिन उसकी साजिशों का हिंदुस्तान पर भी असर पड़ना तय है। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही।